आगे पाजी आगे। हाँ जी आगे। हाँ अमिता पाजी सर जी है, एक बार जोरदार तालियां। चलो जी बोले सोने हाल गणपति बप्पा। इट वॉज रिटन, मैं बढ़ू तो ऐसे बढ़ू जो सबको अपने संग ले चलू, और मैं जीऊ तो ऐसे जीऊ कि सब कुछ अपना तुमको दे सकू। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कोट। उनका एक शेर है कि कहीं से दो, कहीं से चोट, कहीं से फरेब खाए हुए थे, कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए थे, कुछ हम भी तो जिंदगी को आजमाए हुए थे, और पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए। मतलब पैसे से ज्यादा तो तुम्हें पता है ना कोई चीज, तो पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए थे, और जिंदगी में कुछ दोस्त हमने भी कमाए हुए थे। सभी को आई एम तो हैप्पी, मेरे तो स्कूल टाइम के जितने मेरे दोस्त हैं। अभी मुझे पहले बता देते, मैं सवाल इनसे पूछता तो सबसे पहले तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं जब बचपन से शुरू करा तो देवर द बिगेस्ट सपोर्ट, हर चीज में साथ में रहना। अच्छा करने के समय तो सब सुन लेते हैं, तो बुरा भी सुनना और झेलना वो बहुत मुश्किल होता है। तो गाना आज रिलीज हो रहा है, एसकी म्यूजिक वर्क्स में हम कोशिश करते हैं कहीं कहीं पर आर्टिस्ट को फीचर करें, कहीं पर हम एक्ट्रेस को फीचर करते हैं, बट जब इनका गाना सुना मैंने कि इसमें इतना परफॉर्मेंस है, स्क्रीन प्रेजेंस है, डांस है, तो ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो बहुत जोरदार तालियां। गॉडफादर है सुरेश थॉमस जी, आप एक बार ऊपर आइए जोरदार। सुरेश इज द गॉडफादर टू मी। सुरेश के लिए मैं इतना बोलूंगा, जो मेरा पहला गाना था सामने लग गया, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हिम, और उस वक्त मुझे इन्होंने एक चेक बना के दिया था 11 लाख का। सोहित जी कंपनी का नाम था बीएफजी पेसेंटो। तो मैं, मोहित चौहान, लक्की अली, सुखबीर, जितने आप बड़ी बड़ी अलमा आपने सुन रहे हैं, ओहो जब चेक दिया उन्होंने 11 लाख का, तो मुझे लगा था शायद ये 1100 है, 11 है, 1000 है। तो मैंने, इन्होंने बोला दिस इज फॉर यू, तो मैंने बोला थैंक यू। मैंने बोला पता नहीं क्या दिया है, तो मैंने घर जाकर किसी को बोला यार ये 0 नहीं समझ आ रहा क्या है, 11000 ही दिया होगा। बोलते नहीं नहीं यार कुछ और है। करते करते पता चला कि पहला चेक 11 लाख का उस वक्त 98 में इन्होंने दिया। वहीं से तो सावन में लगी वो पहला मेरा गाना, वहीं से लगी होगी। तो आजकल ना वैसी कंपनीज नहीं, ना वैसे आर्टिस्ट है, लेकिन एसके म्यूजिक को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज वो टाइम मैं वापस देख रहा हूँ, हमारा जो दौर था, बिकॉज लोगों का टाइम चलता है, मेरा दौर चलता है, कुछ तो जो दौर मेरा तब से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि न्यू कमर्स को वो मौका मिल रहा है जो हमें कभी उस तक टाइम मिलता था। अच्छे वीडियोज बन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, एंड डिस्पाइज लुकिंग गॉर्जियस इन द सॉन्ग, और यू आर लकी यार, इतने यू नो सारी लड़कियां बढ़ती प्रतीक के ऊपर, और प्रतीक इतना पूरा ऐसे शर्ट उतार के आ रहा, तो कमाल ही हो रहा है। सो बहुत बहुत बधाई है एसके म्यूजिक को, और मुझे लगा अगर स्नोबल आप खान लगा देंगे ना तो एसके म्यूजिक बन जाएगा। जिस तरह से वन थिंग की मैंने दो गाने किए हैं एसके म्यूजिक वर्क्स के साथ, एंड आई थिंक ये जो अभी हो रहा है ना, ये मेरी लाइफ में आज तक कभी पहले नहीं हुआ, एंड मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, आई थिंक फॉर हर इट्स गोइंग टू बी सच अ प्राउड मोमेंट, दैट्स माय मॉम ओवर देयर, बिकॉज मैंने पहले भी बोला ये बात कि आज तक भाई मिका सर मैं सिर्फ मम्मी को फिल्म में दिखाने लाया हूँ यहाँ पे, बाकी एक्टर्स की आज मेरी मम्मी मेरा काम देखने आई है इस थिएटर में, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मेरे सपना पूरा हुआ है, एंड आप यहाँ पे आए, एंड सब लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे आए हैं, आई थिंक थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, जनरली थैंक गॉड, ब्यूटीफुल, आई नो यू वेरी। इसके बाद मेरे मम्मी डैडी को प्राउड फील कराना था बहुत ज्यादा, तो क्योंकि मुझे मुंबई में काम करना है, ये वो चीज है। तो आने के बाद कुमार पाजी मिले, उसके बाद मेरा सबसे बड़ा, मेरे लाइफ के सबसे बड़ा, लाइक ही इज माई गॉड, इज माई गॉड फादर। तो मिका सर मिले, उसके बाद
सिद्धार्थ सर मिले और मेरा जर्नी ये स्टार्ट हुआ है, ये आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इट्स लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट राइट नाउ. जो भी हो रहा है इसे मैं सपना देख रही हूँ, लाइक सपना सच हो गया है और आज मेरा मम्मी डैडी भी मेरे साथ है. ऑल द बेस्ट, जोरदार तालियां विश्वा के लिए, प्रतीक के लिए. और सच में आप लोग इतना कमाल का काम कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई कंपनी न्यू कमर को चांस देती है और इतने बड़े लेवल पे चांस देती है. और सेम थिंग मैं उम्मीद करता हूँ जितने न्यू कमर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट कंपनी को देनी चाहिए और उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो आपको और प्रमोट करें, अच्छे लेवल पे लेके जाए. तो ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि तारीफ जो दोनों हाथ से बचती है. कई बार कई बार जब हम स्टार बन जाते हैं, जैसे आपको पता है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार जो खुद ही बोल रहा है मैं स्टार हूं, वो मैं हूं. लेकिन मैं बात नहीं भूला, मुझे याद है कि ये वही सुरेश तोमर हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था. सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट. थैंक यू सो मच.